हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं कासिम मोटो झारखंड गोड्डा नरेनी से हूं। मैं बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी हमेशा वीडियोज अपलोड करता रहता हूं अपने चैनल। अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारे हाथ में एक पिस्टन है और एक हाथ में ये सिलेंडर है। बहुत सारे कस्टमर का ये सवाल होता है जब इंजन बनता है किसी बाइक का, वो ये चाहते हैं कि हम अपने बाइक के अंदर जो पिस्टन रिंग लगता है वो अच्छे से अच्छे कंपनी का लगवाएं। ये वीडियो जो है एक मैकेनिक और एक कस्टमर के लिए होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। आप लोग ज़रा सा मिस ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। सच में कह रहा हूँ भाई, अगर इंजन के अंदर पिस्टन सिलेंडर अगर ठीक ठाक लग गई, अच्छे कंपनी की अच्छे ब्रांड की अगर लग जाती है, तो हमारी गाड़ी जो है बहुत सालों तक, सालों साल जो है हमारी गाड़ी तक धुआं नहीं मारती है और पिस्टन आवाज़ भी नहीं करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इंजन के अंदर जो हम सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराते हैं या फिर सिलेंडर ब्लॉक नया डालते हैं तो किस कंपनी का लगाना चाहिए, किस कंपनी का, किस ब्रांड का लगाना चाहिए। तो हमने अभी क्या किया है, एक पैशन एक्सप्रो बाइक का इंजन खोला है, हाफ इंजन। तो ये हीरो पैशन एक्सप्रो का हाफ इंजन है। ये जो सिलेंडर जो है 3 साल पहले मैंने लगाया था, न्यू सिलेंडर किट, और फिर से ये धुआं मार गई तो मैंने इसको 25 नंबर का पिस्टन नया डालकर बोर कराया है। अब इसमें हमने किस कंपनी का पिस्टन डाला है और आपको किस कंपनी का पिस्टन डालना चाहिए, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारे हाथ में जो पिस्टन देख रहे हैं दोस्तों, ये पिस्टन ऊषा का है, ऊषा श्रीराम पिस्टन रिंग्स। इसका जो कंपनी का नाम होता है श्रीराम पिस्टन रिंग्स, और यही कंपनी ऊषा ब्रांड, ऊषा नाम से जो है पिस्टन बनाते हैं। और ये फर्स्ट नंबर पर पिस्टन, आपको बता दें दोस्तों कि फर्स्ट नंबर पर जो पिस्टन होता है कंपनी का, ये यही होता है ऊषा कंपनी का। हम लोग अक्सर देखते हैं जब भी हम इंजन खोलते हैं, चाहे हीरो की हो, बजाज की हो, टीवीएस की हो या फिर सुजुकी हो, जितनी भी बाइक्स होती हैं, कि उस बाइक में जो है ऊषा का पिस्टन निकलता है। लेकिन इनमें से कुछ बाइक्स ऐसे हैं जैसे कि टीवीएस, अक्सर जो पिस्टन लेकर आते हैं वो सेम कंपनी का लेकर आते हैं, सेम नाम करके, SAM सेम करके। और हीरो होंडा तो भाई रिजर्व है इसका, ऊषा के अलावा अक्सर जो है दूसरा कोई कंपनी नहीं चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऊषा का जो पिस्टन है ये बहुत ही बेहतरीन होता है, सबसे नंबर वन क्वालिटी में ऊषा का पिस्टन आपको बता दे रहा हूँ, ऊषा का होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम किस कंपनी का डाला, ऊषा डाला या और भी, जैसे कि बहुत सारे पिस्टन में आपको नाम बता दो, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ऊषा होता है, गोज होता है, IPL होता है, महले होता है, और इनमें से कई सारे कंपनी जैसे है, इसके बाद थोड़ा सा लोकल आ जाता है, जो ऐसे चार नाम जो ज़्यादातर चलता है मार्केट में। अक्सर अगर आप एक लेथ वाले के पास भी जाएंगे, अगर उनसे पूछेंगे तो वो ऐसे जो है 3-4 कंपनी बताएगा कि आप ऊषा का डलवा लीजिए, गोज का डलवा लीजिए, IPL का डलवा लीजिए या फिर सेम का डलवा लीजिए। अगर आप सेम कंपनी का डलवाते हैं तो ये भी बहुत ही बेस्ट रहेगा, ऊषा का डलवाते हैं तो ये भी बहुत ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो रहेगा ही फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्वालिटी की पिस्टन। इसके बाद अगर आपको गोज कंपनी का भी मिलता है तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है भाई, गोज का भी आप डलवा सकते हैं और IPL का भी डलवा सकते हैं और महले का भी डलवा सकते हैं। तो दूसरा नंबर पे जो है वो गोज आता है, तीसरे नंबर पे जो है सेम आता है, और उसके बाद जो है IPL का आता है, महले का आता है। तो आपको क्या करना है, अपने बाइक के अनुसार पिस्टन को चुनना है, ठीक है, बाइक के अनुसार। अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन नहीं मिल रहा है, सबसे पहले तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ओरिजिनल ही लगाएं। जैसे हीरो की अगर बाइक खुला हुआ है तो हीरो में आप हीरो का डलवाएं, अगर हीरो का नहीं मिलता है तो आप ऊषा चुनें या फिर गोज चुन लें, ठीक है, या इसके अलावा मेरे ख्याल से आप फिर ब्रांडेड ही चुनें, जो जेन्युइन होता है वही आप चुनें। जैसे TVS की बाइक खुला हुआ है तो आप TVS का जेन्युइन ले सकते हैं। अक्सर जो है TVS का आपको जो है पिस्टन नहीं मिलेगा मार्केट में, हीरो का अक्सर मिल जाता है और दूसरे कंपनी का नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो दोस्तों उपलब्ध है पिस्टन रिंग वो ज़्यादातर हीरो का ही उपलब्ध है, और दूसरे कंपनी अगर आपकी बाइक है, TVS है, बजाज है, होंडा है, तो इनमें जो है आप गोज का यूज कर सकते हैं, ऊषा का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही सेम का यूज़ कर सकते हैं। तो बस बहुत ही छोटा सा जानकारी मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये किस कंपनी का पिस्टन हमें लगाना चाहिए और कौन से कंपनी का पिस्टन रिंग अच्छा होता है। मैं ये वीडियो बनाकर किसी मैकेनिक का दिल दुखाना नहीं चाहूँगा। मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं कहा कि आप के बाइक में वो पिस्टन गलत दे रहा है, मैंने सारे पिस्टन के बारे में बताया कि किस तरीके का पिस्टन होता है। तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वालिटी जो होगा वो ऊषा होगा, फिर गोज होगा, और फिर सेम होगा, महले होगा और IPL होगा। तो आप इनमें से चुने भाई,
आप एक अगर कस्टमर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद से भी सोच समझ कर काम करा सकते हैं। बाकी मैकेनिक जो कहता है वो उनके अनुसार काम कराएं। तो ये जो है मैंने इस सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा दिया और इसमें ऊषा का पिस्टन डाल रहे हैं, तो देखेंगे कि ये कितना दिन चलता है। ये छोटी सी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। अब इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सिलेंडर किस कंपनी का लगाना चाहिए। मैंने तो सिलेंडर के बारे में बोला, तो सिलेंडर देखिए सबसे नंबर वन पे जो सिलेंडर आता है वो कंपनी का ही आता है। अगर आपकी बाइक बजाज की या TVS की किसी भी कंपनी का अगर बाइक है, अगर सिलेंडर किट जो है वो ख़त्म हो गया 50 से अधिक या फिर 100 नंबर तक, इसको आपने बोर करा दिया, जैसे कि मैंने ये 25 नंबर लगाया, दूसरी बार जो खुलेगी तो ये 50 जाएगा, फिर 75 जाएगा, फिर 100 जाएगा, जहाँ तक कि मैं 50 से ज़्यादा नहीं करता हूँ। अगर आपकी बाइक का 50 या फिर उससे ओवर जो है पिस्टन रिंग, ये पिस्टन जो है इसके अंदर फिट हो चुका है, बोर हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सिलेंडर ब्लॉक को चेंज कर देना है, कोई स्लिप वगैरह नहीं करवाना है। अगर सिलेंडर नहीं मिलता है तो फिर मुश्किल हालात में जो है स्लिप को भी हमें लगवाना पड़ता है, तो स्लिप भी जो है अच्छा खासा चल जाता है। तो सिलेंडर किस कंपनी का लगाएं, तो सबसे पहले आप ये चुनें कि आपकी बाइक कौन सी है। जिस कंपनी की बाइक है आप सबसे पहले उसी कंपनी का जो है उसी का ओरिजिनल आप लेना पसंद कीजिए, उसी का ओरिजिनल आप ढूंढिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद जो है आप गोज का चुनिए और ऊषा का चुनिए। इसके बाद और भी कंपनी बहुत सारा आता है, बिनारा आता है, ठीक है, और भी कंपनी आता है जैसे कि वेरोक आता है, कई सारे कंपनीज है जो ज़्यादातर मैं आपको नाम नहीं बता सकता, जो मार्केट में ज़्यादातर नाम चलता है, जो बिकता है, वो अक्सर हम लोग को याद रहता है। तो आप ओरिजिनल चुनिए, अगर ओरिजिनल आपको नहीं मिलता है तो फिर आप गोज चुनिए या फिर ऊषा का चुनिए। इसके बाद आप इनमें से कुछ भाई लोग कमेंट करेंगे कि सर ओरिजिनल जो है वो सक्सेस नहीं है, तो ऐसा नहीं भाई, ओरिजिनल सक्सेस है। इनमें से 100 में से जो है 2-4-10 ऐसे सिलेंडर ब्लॉक आ जाता है जो सक्सेस नहीं होता है, वो धुआं मार देती है, जल्दी से पिस्टन आवाज़ कर जाता है। और ये केस ज़रूरी नहीं कि मतलब ओरिजिनल में ही होता है, ये ऊषा में भी हो सकता है, गोज में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल ही चुनना है। अगर ओरिजिनल नहीं सक्सेस हुआ तो फिर दोबारा जो है आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, बिनारा में जा सकते हैं, वेरोक में जा सकते हैं, ऊषा में जा सकते हैं, गोज में जा सकते हैं, सेम में जा सकते हैं, IPL में जा सकते हैं, बहुत सारे कंपनी जैसे हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, किसी भी कंपनी का डलवा कर आप। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।